मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेस सोडी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि असित मोदी पर उनके पैसे बकाया है। जेनिफर को इस केस में जीत तो मिल गई। साथ ही कोर्ट ने असित को जेनिफर मिस्त्री के बकाया पैसे चुकाने और 5 लाख का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया, पर जेनिफर मिस्त्री खुश नहीं दिखी। एक्ट्रेस ने लेटेस्ट इंटरव्यू में अब बताया कि पिछले 1 साल में कितने कष्ट से वो गुजरी हैं और क्या झेला है। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने ये खुलासा किया है कि यौन उत्पीड़न का केस करने के बाद से उनकी अपने दोस्तों सोनालिका जोशी, अंबिका रंजनकर और मंदार चंद्रवाकर ने उनसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। जेनिफर की ऐसी हालत हो गई कि उन्होंने 100 बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचा। मालूम हो कि जेनिफर ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दैनिक भास्कर से 2022 में कहा था कि वो उन्हें आपत्तिजनक मैसेज करते थे और होठों की तारीफ करते थे। कई बार वो एक्ट्रेस को कॉल करके अपने कमरे में भी बुलाते थे। ई टाइम्स से बातचीत में जेनिफर ने कहा है, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अपने दोस्तों के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं अपने को स्टार्स खासकर 3-4 दोस्तों से दूर नहीं रह सकती। मैं उनसे बात किए बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। मैं सोच नहीं सकती कि उनसे एक भी दिन बिना बात किए रहना है। ये मेरे लिए अकल्पनीय था और मैं कभी भी मुझसे बात नहीं कर पाऊंगी, खासकर सोनालिका, अंबिका और मंदार, मेरे मेकअप दादा। लेकिन इन सभी लोगों ने मुझसे नाता तोड़ लिया। जेनिफर ने आगे बताया, जब मेरे मामले की खबर सामने आई तो सभी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मेरे बर्थडे पर किसी ने मुझे बधाई नहीं दी। ये मेरे लिए चौंकाने वाला था। वो बस जन्मदिन मुबारक कह सकते थे। मैं उन्हें इस मामले में नहीं घसीटती। मैं अपनी सोसाइटी की महिलाओं से कभी ज्यादा दोस्ताना व्यवहार नहीं रखती थी क्योंकि मेरा ज्यादातर टाइम सेट पर ही गुजरता था, लेकिन वो हमेशा मेरे प्रति सम्मानजनक रहे और मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन अचानक उन्होंने मुझ पर ताना मारना शुरू कर दिया, मुंह बनाना शुरू कर दिया। अब चीजें बेहतर हो गई हैं। जेनिफर ने मंदार, सोनालिका और अंबिका के साथ दोस्ती को याद करते हुए आगे कहा, मैंने मंदार, सोनालिका और अंबिका के साथ 15 साल तक काम किया। जब मैं प्रेगनेंसी के लिए ब्रेक पर थी उस दौरान वो मेरे संपर्क में थे, लेकिन जब केस हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे सारे रिश्ते तोड़ना शुरू कर दिए। वो मेरे लिए दूसरा परिवार थे, उनके बच्चों के साथ भी मेरा जुड़ाव था। निसंदेह मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूं। मैं समझती हूं कि वो अपनी आजीविका कमा रहे हैं, इसीलिए वो प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ नहीं जाना चाहते। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई रिश्ता क्यों नहीं रखा, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जिसको रखना होता है वो कैसे भी रिश्ता रखता है। जैसे एक दो लोग हैं जो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हैं और हम इस मामले पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। वहीं जेनिफर ने बताया है कि वो अब इन चीजों से उभर रही हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं।